सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल महामुकाबले के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमों के खिलाड़ी जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जमकर पसीना पा रहे हैं डब्ल्यूटीसी का फाइनल मुकाबला जीतकर इतिहास रचने के लिए। अब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल महामुकाबला काफी शानदार, काफी जबरदस्त और रोमांचक होने वाला है, जहां डब्ल्यूटीसी फाइनल मुकाबले के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमों का स्क्वाड भी ऑफिशियल तौर पर, आधिकारिक तौर पर काफी पहले ही अनाउंस हो गया था। तो आखिर इस फाइनल महामुकाबले के लिए क्या होने वाली है भारतीय टीम की प्लेइंग 11, इस वीडियो में पूरी विस्तार से बताने वाले, जहां टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कंफर्म और फाइनल हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले के लिए। गौरतलब है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का यह फाइनल महामुकाबला 7 जून 2023 वेडनेसडे से शुरू होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, जो 11 जून 2023 संडे तक खेला जाएगा लंदन के कैनिंगटन ओवल स्टेडियम में। जी हां, डब्ल्यूटीसी का यह फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के लंदन में खेला जाएगा कैनिंगटन ओवल स्टेडियम में, जो भारतीय समय अनुसार दिन में 3:30 बजे से यानी कि 3 PM से यह मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का यह दूसरा एडिशन है, जहां पहला एडिशन साल 2019 से लेकर साल 2021 तक खेला गया था, तब भी भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी। तब फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम सामने थी और न्यूजीलैंड की टीम ने फाइनल मुकाबला 8 विकेट के बड़े अंतर से जीत लिया था भारत के खिलाफ। तो भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले एडिशन में भी फाइनल में पहुंची थी, लेकिन वहां पर हार का सामना करना पड़ा था। और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा एडिशन है और इस बार भी भारतीय टीम फाइनल में पहुंची है, लेकिन इस बार सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी हराना किसी भी टीम के लिए इतना आसान नहीं होता है। अगर हम लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग की बात करें तो जहां टीम इंडिया पहले स्थान पर है टेस्ट रैंकिंग में, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम भी दूसरे स्थान पर मौजूद है। अब बात करें डब्ल्यूटीसी फाइनल महामुकाबले के लिए टीम इंडिया की कंफर्म प्लेइंग 11, तो उससे पहले अगर आप भी डेली आईपीएल और क्रिकेट की वर्ल्ड में सबसे फास्ट, सबसे पहले हर एक न्यूज़ अपडेट्स और वीडियोस पाना चाहते हैं, तो भी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर दिया है। यहां पर आपको काफी कुछ प्रोवाइड किया जाता है बिल्कुल फ्री में। अब पढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो डब्ल्यूटीसी फाइनल महामुकाबले के लिए भारतीय टीम स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया गया है, जहां पहले रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर टीम में ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया था, लेकिन मैरिज की वजह से ऋतुराज गायकवाड़ डब्ल्यूटीसी फाइनल स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह पर रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर टीम स्क्वाड में यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है, जो काफी शानदार गजब के फॉर्म में चल रहे थे। तो डब्ल्यूटीसी फाइनल मुकाबले के लिए कुछ इस तरह से होने वाली टीम इंडिया की प्लेइंग 11। ऐसा ओपनर नंबर 1 पर होंगे कप्तान रोहित शर्मा, जबरदस्त विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज। नंबर 2 पर होंगे शुभमन गिल, जो काफी शानदार जबरदस्त युवा टैलेंटेड ओपनर बल्लेबाज हैं। आईपीएल 2023 में इन्होंने धूम मचाया था, अपने बल्ले से काफी ज्यादा रन बटोरे थे, ऑरेंज कैप भी इन्हें मिला था। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज शुभमन गिल ही थे। ये दोनों ही करने वाले हैं ओपनिंग के बल्लेबाज टीम इंडिया की तरफ से। नंबर 3 पर होंगे टेस्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज जितेंद्र पुजारा, जो टीम इंडिया की रेड की हड्डी माने जाते हैं टेस्ट फॉर्मेट में। जबकि नंबर 4 पर होंगे किंग विराट कोहली, जो कि ये भी शानदार गजब के फॉर्म में चल रहे हैं, इन पर भी काफी दारोमदार होगा। नंबर 5 पर होंगे अजिंक्य रहाणे, तो वही नंबर 6 पर होंगे रविंद्र जडेजा बेहतरीन ऑलराउंडर, तो वही नंबर 7 पर होंगे केएस भरत विकेट कीपर बैट्समैन। अब चूंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से केएल राहुल रूल्ड आउट हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं और ऋषभ पंत भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, ऐसे में केएस भरत और ईशान किशन को बतौर विकेट कीपर बैट्समैन टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया गया था। अगर हम बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 पर होंगे बेहतरीन स्पिनर ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन। अगर हम बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पर होंगे शार्दुल ठाकुर बॉलिंग ऑलराउंडर। जबकि नंबर 10 पर होंगे मोहम्मद शमी एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, तो वही नंबर 11 पर होंगे मोहम्मद सिराज युवा तेज गेंदबाज, जो कि ये भी काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। तो ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11 डब्ल्यूटीसी फाइनल महामुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ।